नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं राहुल। सतना शहर में नकली नोट गलाने की एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। पान की गोमती चलाने वाले एक अधेड़ की समझदारी से इस जालसाजी का राज खुला है। जीआरपी ने 25,400 के नकली नोट के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। सतना शहर में आज नकली नोट गलाने की बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। यह गिरोह सतना जिले से ही संचालित हो रहा था। इसका संचालन रामनगर से चल रहा था। मुख्य सरगना धीरज तिवारी जो फरार है, जबकि नोट गलाने वाले 3 लोगों को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अनिश तिवारी, रवि रावत को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग है। सभी रामनगर क्षेत्र के हैं। पुलिस ने इनके पास से 20,400 की नकली नोट बरामद की है, जो 200 रुपए की है, और इन नोटों में अधिकांश नोट में एक ही नंबर के हैं। नोट हुबहू असली दिख रही है, मगर एक दुकानदार ने समझदारी का परिचय दिया और नोट की पहचान कर ली और नकली नोट गलाने वाले को झांसा देकर जीआरपी पुलिस को सूचना दी। जीआरपी थाना प्रभारी गोविंद त्रिपाठी ने बताया कि राधेश्याम खटिक की शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों पर धारा 489 खा के तहत मामला दर्ज कर सरगना की तलाश कर रही है और गिरफ्त में आए 3 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो आरोपी है एक अबकारी बालक, शादी राधे से हमने रिपोर्ट किया था कि आज वहाँ नोट का पाउच बेचते समय 3 लोग लड़के आए और 200 का नोट दिया, जिसको चेक करने पर नकली नोट लग रहा था। मैंने उनको कहा कि दूसरा 2 नोट दो, ये नकली है। तो लड़के इधर उधर चले गए हैं, उनके पास में काफ़ी नकली नोट और भी रखे। रिपोर्ट पर से अपराध कायम कर संदेहियों की तलाश की गई, जिस पर से मिले उनके पास से 25,400 नकली नोट पाए गए। उनके नोट हैं एक ही नंबर के, कई नोट 200 अधिकारियों के माध्यम से सूचना दी गई। मेरे प्रयास एक धीरज तिवारी नाम का डांगा जो रामनगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जो पूर्व से वहाँ इसी प्रकार के अपराध में फरार है, वो जो है इस प्रकार की नोट छाप के इन लोगों को देने की जानकारी प्राप्त हुई है, जिस सरगना की तलाश की जा रही है। ये सभी सपना जगह